कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर यानी कि 7 जन्मों का होता है। पति पत्नी की प्रेम की अनोखी और बेहद दर्दनाक मिसाल बिहार के मुजफ्फरपुर में देखने को मिली, जहां जरा सी बात पर पति पत्नी से नाराज होकर चला गया तो पत्नी की गम में ही मौत हो गई। अभी घर के लोग पत्नी की मौत का गम मना ही रहे थे कि खबर आ गई पत्नी की मौत से गमजदा पति का भी मौत हो गया। इस तरह पति पत्नी की एक साथ मौत होने से गांव में मातम सा फैल गया। ये घटना बिहार की मुजफ्फरपुर जिले की है। यहाँ पहले पत्नी ने दम तोड़ी, वही दूसरे तरफ गांव की बाहर पति का लाश मिली। मृतक के बेटे प्रमोद साहनी की कहने के अनुसार पिता से झगड़े की बात उनकी मां सदमे में थी। झगड़े के बाद उनकी पिता 4 दिन तक घर नहीं लौटे थे। सदमे में मां की तबीयत बिगड़ गई और 8 जून को मिडनाइट में उनकी मौत हो गई। साथ जीने मरने की कसम। हैरानी की बात यह है कि परिवार वाले जब महिला का अंतिम संस्कार करके वापस लौट रहे थे तो उसी वक्त उन्हें खबर मिली कि महिला के पति का लाश गांव के बाहर पड़ा है, जिसके बाद महिला के पास ही उनकी पति का भी अंतिम संस्कार किया गया। मृतक दंपति का बेटे प्रमोद की कहने के अनुसार उनकी मां की मौत उनकी पिता की चिंता से ही हो गई थी, जिसके बाद उनकी पिता भी मृत मिले। इस घटना के बाद गांव में मातम सा छा गया है। मृतक महिला का नाम सिकारिया देवी था, जिनकी उम्र 50 साल की थी और उनकी पति तेजो सहनी की उम्र 55 साल की थी और ये दोनों अपने बेटे प्रमोद सहनी के साथ ही रहते थे। याद ऐसे करो कि हद ना हो, याद ऐसे करो कि हद ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतजार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसे करो कि कभी नफरत ही ना हो। आपके साथ जिंदगी बितानी है, वक्त नहीं। आपके साथ जिंदगी बितानी है, वक्त नहीं। कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यू रूठा ना करो हमसे। दोस्तों, ऐसे लव स्टोरी अक्सर हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं, जैसे कि श्री फड़ा, हीर रांझे, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सोनी महरवाल एटसेट्रा। पर ऐसे रियल लव या फिर इस तरह की रियल लव स्टोरी आज के दिन में भी होता है, ये इस मुजफ्फरपुर की रहने वाली मृतक दंपत्ति ने कर दिखाया। सच मानिए तो एक दोबारा प्यारा सा लव स्टोरी इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, अगर ये रियल कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आने वाला कोई नया कहानी के साथ। थैंक यू।